तो इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर का जो डर है वो भी लोगों को सता रहा है। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में गंभीर मरीज पहुंच रहे हैं, 60,000 बेड यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सामान्य लक्षण वाले मरीज होंगे होम आइसोलेट, तो तमाम तैयारियां की जा रही है। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर मरीज भर्ती किए जाएंगे, तो ये बड़ी खबर लगातार तीसरी लहर को लेकर जो संकेत थे उसको लेकर अब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में गंभीर मरीज को भर्ती किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है तो तस्वीरें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उससे पहले सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं अस्पतालों के, और इसी कड़ी में भोपाल में जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है तो तीसरी लहर का संकेत यहां पर साफ तौर पर हो सकता है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा, यहाँ इसको लेकर 60,000 बेड यहाँ पर रिजर्व भी पहले से कर लिए गए हैं, और सामान्य लक्षण वाले मरीज को सिर्फ और सिर्फ होम आइसोलेट किया जाएगा। तो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर मरीज को अब भर्ती किया जाएगा, जिसको लेकर 60,000 जो बेड्स है उसको भी रिजर्व किया गया है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है, लगातार प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठ के कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना पर काम करना है, किस तरीके से इसे रोकना है, इसको लेकर भी आगे की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कई अस्पतालों का उचित निरीक्षण किया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि तीसरी लहर है उसको लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दरमियान हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग बखूबी पालन करें, और 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस चीज़ का भी बखूबी पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज सामने आया है, और आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 77 नए केस आ चुके हैं, और इसके साथ ही नए वेरिएंट की अगर बात की जाए, ओमिक्रॉन का भी एक मरीज मिला है, पॉजिटिव मरीज मिला है, और अभी प्रदेश के 22 जिलों में 407 एक्टिव केसेस है, जो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तस्वीरें जाकर बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर पिछले 2 वेव की बात की जाए तो अभी वो तस्वीरें हमारे जहन में बरकरार है, लेकिन अगर अभी से भी हम सतर्क नहीं रहें तो चीज़ें आगे जाके ख़राब हो सकती हैं। तो लगातार 60,000 यहाँ पर बेड्स को रिजर्व किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठ के कर रहे हैं किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अस्पतालों का उचित निरीक्षण किया जा रहा है, और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो जाए इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। यानी कि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं।